बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम योर मैथ्स टीचर ऑफ क्लास 5, लेक्चर नंबर 25, पार्ट 1। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 21। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन 7, यूज डिमास रूल एंड सिंप्लीफाई दीज। वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट सी, 121 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 20। नाउ स्टूडेंट्स, हम इस डिमास रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन 7 के पार्ट को सॉल्व करेंगे। डिवीजन इज़ फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन इज़ सेकंड, एडिशन इज़ थर्ड एंड सब्ट्रैक्शन इज़ फोर्थ। नाउ हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट, आप सॉल्यूशन में अगेन पार्ट को राइट करेंगे, देन आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे लाइक दिस। नाउ स्टूडेंट्स, डिमास रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट में हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। हमारे पास फोर ऑपरेशंस थे, डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, बट इस पार्ट में हमारे पास थ्री ऑपरेशंस हैं, डिवाइड, प्लस, मल्टीप्लाई। सो हम इन थ्री ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे। रिमेंबर, आप स्टेप बाय स्टेप इन ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे और स्टेप को आप इक्वल के साथ राइट करेंगे। सो हेयर वी डिवाइड फर्स्ट। सो 121 डिवाइडेड बाई 11 इज़ इक्वल टू 11। स्टूडेंट्स, हमने 121 को डिवाइड किया 11 से, हमारे पास आंसर क्या आया, 11। सो हम इस आंसर को सेकेंड स्टेप में राइट करेंगे और हम फर्स्ट स्टेप की रिमेनिंग वैल्यूज़ को एज इट इज़ नीचे सेकेंड स्टेप में राइट करेंगे। बिकॉज हम एट अ टाइम एक ऑपरेशन यूज़ करेंगे, सो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ रह जाएंगी, हम उसको एज इट इज़ नीचे राइट करेंगे लाइक दिस। हमने फर्स्ट स्टेप में 121 को डिवाइड किया था 11 से, सो हमारे पास आंसर 11 आया था। सो हम सेकंड स्टेप में इक्वल्स के बाद 11 राइट करेंगे, प्लस हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच गई हैं, हम उसको नीचे राइट करेंगे। सो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में वैल्यूज़ प्लस 5 है, सो हम 5 को नीचे राइट करेंगे। अगेन हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 20 है, सो हम मल्टीप्लाई बाई 20 को नीचे राइट करेंगे। सो इज़ इक्वल टू 11 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 20। नाउ स्टूडेंट्स, डिमास रूल के अकॉर्डिंग सेकेंड स्टेप में हमारे पास मल्टीप्लाई है, सो हम सेकेंड स्टेप में मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे लाइक दिस। वी मल्टीप्लाई द नंबर्स, 5 मल्टीप्लाई बाई 20 इज़ इक्वल टू 100। सो हम 100 को थर्ड स्टेप में राइट करेंगे और हम सेकेंड स्टेप की रिमेनिंग वैल्यूज़ को एज इट इज़ नीचे राइट करेंगे लाइक दिस। इज़ इक्वल टू 11 प्लस 100। सो 11 हमारे पास सेकेंड स्टेप की रिमेनिंग वैल्यूज थी, तो हमने 11 को राइट किया, प्लस 5 को हमने मल्टीप्लाई किया था 20 से, सो आंसर हमारे पास 100 आया था, सो हमने 100 राइट किया। नाउ स्टूडेंट्स, डिमास रूल के अकॉर्डिंग थर्ड स्टेप में हमारे पास एडिशन है, सो हम थर्ड स्टेप में ऐड करेंगे। नाउ वी ऐड 11 प्लस 100, सो 11 प्लस 100 इज़ 111। सो हम 111 को फोर्थ स्टेप में इक्वल्स के बाद राइट करेंगे लाइक दिस। सो आंसर इज इक्वल टू 111। होमवर्क, क्वेश्चन 7 इन द कॉपी पेज नंबर 21। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन 7 का सी पार्ट मैंने आपको सॉल्व करवाया है, अब वो भी अपनी क्लास पर कॉपी पे सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन 7 के ए, बी, डी एंड ई पार्ट्स भी आप अपनी क्लास पर कॉपी पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।